और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। समझ रहे हो ना? ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಬರ್ಗರು. ಮೈ ಮಾಜಿದ್ ಆಪ್ ದೇಖ ರಹೇ ಹೈ ಆಪ್ಕಿ ಆವಾಜ್. ಆಜ್ ಏಕ್ ಐಸೆ ಅಹಮ್ ಮುದ್ದೆ ಪರ್ ಮೈ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೂನ್ ಜಿಸ್ಕೋ ಲೇಕರ್ ಯೇ ಇಸ್ ಮುದ್ದೆ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಜೋ ಹೈ बैंगलोर शहर में नहीं, सारे कर्नाटक में ही नहीं, ये नेशनल न्यूज बन चुकी है कि चंद दिन पहले जो है रेलवे स्टेशन के अंदर जो मामला चला बैंगलोर सिटी के रेलवे स्टेशन के अंदर कि वहां पर जो है डॉग मीट जो है राजस्थान से लाया जा रहा है. इस सारे वाकये को जो है हाईलाइट करने वाला जो है ये एक शख्स है जो आप उसको तस्वीरों में देख रहे हैं, पुनीत केरहली. ये जो नॉर्मल आदमी है इसको जो है कई सारे लोग जो है संगठन वाले जो है इसको मिलकर बढ़ावा देते हैं और खास तौर से जो है हमारे मुसलमान भाई भी इसको जो है इसको बढ़ावा देते हैं, इसके वीडियोस देखते हैं, इसके वीडियोस शेयर करते हैं. उन सारे चीजों को बंद कर दीजिए, इसके सारे वीडियोस को जो है बाइकॉट कर दीजिए और इसके वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये चाहता ही यही है कि हिंदू मुसलमान में फसाद हो, इसका एजेंडा ही यही है. लेकिन वहां पर जब हंगामा चला तो उसके बाद जो है पुनीत केरहली के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसको जो है 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, इसी तरीके से जेल में रखा जाता है, 14 दिन जो है जुडिशियल कस्टडी दिया जाता है. तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके जो वीडियोस सारे वीडियोस हैं इस सारे वीडियोस को बायकॉट कीजिए. ये शख्स ऐसा है कि खाली उसका जो काम होता है उसको हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाना होता है और इसके जाल में जो है खाली मुसलमान ही नहीं, कई सारे हिंदूज भी जो है हमारे हिंदू भाई भी जो है इस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पर जो है ये बार बार जो है लोगों को भड़काता है, मुसलमानों के खिलाफ बात करता है और मुसलमानों के बारे में बार बार जहर उगलता है. कई सारे इसके ऊपर एफआईआर ऐसे दर्ज हो चुके हैं कि ये जो है लड़कियों का धंधा करता है, ये एक्सट्रैक्शन करता है, लोगों के पास पैसे ऐंठने के काम करता है, इस तरीके के काम करता है. कर्नाटक के जो है होम मिनिस्टर ने साफ डिक्लेयर कर दिया कि जो है डॉग मीट नहीं है, ये गोट मीट है, ये राजस्थान से आता है, इसकी एक ब्रीड ही अलग होती है, जो ब्रीड होती है वो एक अलग ही नस्ल की होती है, यानी कि बकरे में जो है अलग अलग नस्ल के आते हैं, तो ये जो लंबी दुम वाला बकरा होता है वो बकरा है. कई सारे लोग फोन कर रहे हैं, कई सारे लोग होटलों में जाकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस गोश्त को खाना है नहीं खाना है, कई सारे लोग जो है कैटरिनों में जा रहे हैं यानी कि दावतों में जा रहे हैं, वहां भी कंफ्यूज हैं कि इस गोश्त को खाना है नहीं खाना है, इस तरीके का कंफ्यूज मचा हुआ है. तो कई सारे लोग फोन करने के बाद में जो है ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट से जब अप्रूव हो चुका है ये डॉग मीट नहीं है, ये जो है गोट मीट है. आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक मुसलमान जो है कहीं पर भी खड़ा होता है, अगर उसके बाजू से कुत्ता गुजरता है, अगर वो कुत्ता अगर पैर को लग जाता है या हाथ को लग जाता है, आदमी जाकर सबसे पहले गुसूल करता है, गुसूल कर बाद में जो है अपने कपड़े बदल कर जो है फिर वो नमाज को जाना है तो नमाज को जाता है, इस तरीके का वाकया चलता है. ऐसे वाकये में जो है एक मुसलमान जो है कुत्ते का गोश्त लेकर आकर सेल करता है, ये एकदम झूठी अफवाह है, बेबुनियाद अफवाह है. तो आप लोग जो है मैं बार बार कह रहा हूं पुनीत केरहली उसका पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए, उसको जो है बॉयकॉट कीजिए और आप सारे सोशल मीडिया में इतनी पावर है आज आप ट्रेंड चला सकते हैं ये बॉयकॉट पुनीत केरहली. अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गवर्नमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करेगी और उसके ऊपर जो सारे केसेस चल रहे हैं उसमें तेजी होगी और उसको जो है एक अच्छी तरीके से कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर. तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है, जो लोगों में कंफ्यूज है उस कंफ्यूज को दूर करें और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए
कि तमाम लोगों को पता चले कि बैंगलोर के मिनिस्ट्रिक रेलवे स्टेशन में जो अफवाह उठी थी एकदम बेबुनियाद और बेफजूल, ये जो इल्जाम लगाया गया था ये एकदम बेबुनियाद है।